देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजीव बिंदल जी का, जयराम जी का, अनुराग ठाकुर जी का, धूमल साहब का, सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे यहां से चुना गया। और मैं, मुझे विश्वास भी है, पहले भी मुझे पूर्ण रूप से मिला, पहले आजाद उम्मीदवार के रूप में यहां से चुनाव जीता 2022 में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे भी बड़ी जीत जो है इस बार यहां पे भारतीय जनता पार्टी की दर्ज होगी। सर, लेने का मसला वही है कि मुख्यमंत्री, जैसे कि भाषण में बिंदल जी ने भी बोला कि मुख्यमंत्री के यहां जो है तीन लोगों का इस तरह से चले जाना जो है वो अनफॉर्चुनेट है, तो क्या वास्तव में स्थिति इतनी ही परेशानी वाली थी? देखिए, बिना परेशानी के कौन छोड़ना चाहता है विधायकी? आज की स्थिति ऐसी है कि लोग अगर वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते हैं वो 5 साल से पहले नहीं छोड़ते। मैंने तो अपनी विधायकी छोड़ी है और तीन लोगों ने यहाँ से छोड़ी, 2 कांग्रेस के, मैंने इंडिपेंडेंट, बाकी पूरे राज्य में आपको पता है 9 लोग गए और परिस्थितियाँ इन्होंने बनाई, खुद बनाई मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे क्या हालात पड़े, आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि ऐसे कैसे आपने हालात पैदा किए। मैं यहाँ से चुना हुआ विधायक था, मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया गया, मिले नहीं, 11 महीने मिलने का समय नहीं दिया गया, बाहर बैठे रहते थे वहाँ पे उनके वहाँ पे सचिवालय में, तब भी नहीं मिलने का समय दिया, मजाक बनाया गया MLA इंस्टीट्यूशन का। तो ये सब चीज़ें हुई हैं तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया और हम अपने फैसले से संतुष्ट हैं। जो फैसला लिया है वो लोगों के हित के लिए लिया गया है, कोई निजी स्वार्थ के लिए लिया नहीं गया है, क्योंकि लोग भलीभांति जानते हैं, हमीरपुर की जनता जानती है कि कौन किसके मन में क्या है क्या नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष लोगों में रखेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे, वो भी आए अपने यहाँ पे। आशीष जी, इस सवाल का जवाब तो निश्चित तौर से लोगों के पास आप दे चुके होंगे, क्योंकि 2.5 महीने हो गए और अब जो क्योंकि अब आप बीजेपी में भी हैं, इंडिपेंडेंट जीते थे, तो डबल बूस्टर है आपके लिए क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पांस है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व जो प्रदेश का है वो मेरे साथ है, यहाँ के जो संगठन के लोग हैं सारे इकट्ठे मिलकर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा के भी चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रत्याशी जो है अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनको हमने यहाँ से करीब 16,000 मतों से बढ़त मेरी कंस्टिट्यूएंसी से मिली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा है वैसे ही यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। पिछली बार 13,000 मतों से मुझे लोगों ने जिताया था यहाँ से और मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि उससे बड़ी जीत इस बार दर्ज करेगी हमीरपुर की जनता। लगातार आपकी तरफ से भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार आपके जो कारोबार है उस पे भी रोकने का प्रयास हो रहा है, आपके जो लोग हैं समर्थक हैं उन पे भी केसेस। देखिए, ये तो बड़ी तुच्छ किस्म की राजनीति है प्रदेश में जो देखने को मिली है, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे अहंकारी और ऐसे लोग इस सत्ता पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पे, जिन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं, परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। कारोबार तो शुरू से, जब से वोट डाला है हमने राज्यसभा का, तब से इन्होंने कारोबार पे भी पूरा का पूरा बंद किया हुआ है और भी कई चीजें कर रहे हैं। ये जो जितना नीचा स्तर हो सकता है राजनीति का वो इस बार चुनाव में देखने को मिला है और ये इस घटनाक्रम के बाद देखने को मिला है, क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती है। जो संकीर्ण सोच के साथ ग्रस्त होता है उसी व्यक्ति की ऐसी मानसिकता हो सकती है। और जिस तरह से यहाँ भी जो मेरे मित्र सज्जन हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई कारोबारी अगर किसी की छोटी शॉप भी है, हलवाई की शॉप भी है, तो वहां से भी सैंपल लिए जा रहे हैं ये बोल के कि हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। इस तरह का जो चला हुआ चलन है ये जवाब जनता देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के पास जो वोट डालने की ताकत है वही एक जवाब होता है और वो इस बार हमीरपुर की विधानसभा के जो लोग हैं वो इनको दिखाएंगे।